अच्छा तो साहब, एक नेट ड्रग के मामले का खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला? जी, ये 14 सेक्टर से गौरव शर्मा जी हैं, जिनकी फैक्ट्री है सेक्टर 6 के अंदर, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है इनकी। इसकी एक फ्रेंड थी जो 20 साल पहले इसके साथ पढ़ती थी, और 3 साल पहले जो इसका संपर्क उसके उससे दोबारा फेसबुक के माध्यम से दोबारा संपर्क हो गया, बातचीत होती रही, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, और इन्होंने आपस में जो है आपसी सहमति से जो संबंध भी बनाए दिल्ली में, नोएडा में। और पिछले 2 साल से जो है ये लड़की जो इससे उसके एवज में पैसे ले रही थी, वो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगी, बलात्कार करा दूंगी। इसने इसमें अपने पति को भी साथ जोड़ा हुआ था। परसों जो है इसका पति और ये इन्होंने पहले इनको कॉल किया, भाई आप हमारे को पैसे दो, फ्लैट लेना है हमने, 1.5 करोड़ रुपये दो, और यदि नहीं दोगे तो हम फैक्ट्री में आके तुझे पीटेंगे। जब इसने आनाकानी की, भाई मैं इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकता, तो वो फैक्ट्री में ही आ गए, और फैक्ट्री में आने के बाद जो है इन्होंने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने गिरफ्तार करके नियमानुसार इसमें कार्रवाई की है। दोनों जगह गिरफ्तार कर लिया है। कितने पैसे तक जो है वो ऐड चुके होंगे? लगभग ये 1.25 करोड़ रुपये ऐड चुके हैं, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख के हर महीने जो ये पैसे लेते थे, और अभी 1.5 करोड़ की इन्होंने और डिमांड रखी थी। तो ये कहाँ रहते थे फिलहाल दोनों पति पत्नी? ये दोनों पति पत्नी नोएडा रहते हैं फिलहाल। लड़की कहाँ की थी, कौन सी जगह की थी? लड़की फिलहाल तो नोएडा रहती है, लेकिन पहले ये इसका परिवार जो वो फरीदाबाद में रहता था, जवाहर कॉलोनी में, लेकिन अब इसका परिवार भी नोएडा शिफ्ट हो चुका है। और क्या कुछ कार्रवाई इसमें जो है नियमानुसार की जा रही है? इसमें जो है अभी गिरफ्तारी कर ली है, कोर्ट में हमने कल पेश किया है, और 31 तारीख तक इसमें हमने रिमांड लिया है। दोनों रिमांड जो हम जो इन्होंने पैसे ऐठे हैं उसकी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ अभी तक रिकवरी हो पाई है, जैसे गिरफ्तार करके रिकवरी हुई है? नहीं, अभी रिकवरी नहीं हुई है, अभी रिकवरी के लिए जाएंगे। वैसे तो साहब, एक नेट ड्रग के मामले का खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला? जी, ये 14 सेक्टर से गौरव शर्मा जी हैं, जिनकी फैक्ट्री है सेक्टर 6 के अंदर, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है इनकी। इसकी एक फ्रेंड थी जो 20 साल पहले इसके साथ पढ़ती थी, और 3 साल पहले जो इसका संपर्क उसके उससे दोबारा फेसबुक के माध्यम से दोबारा संपर्क हो गया, बातचीत होती रही, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, और इन्होंने आपस में जो है आपसी सहमति से जो संबंध भी बनाए दिल्ली में, नोएडा में। और पिछले 2 साल से जो है ये लड़की जो इससे उसके एवज में पैसे ले रही थी, वो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगी, बलात्कार करा दूंगी। इसने इसमें अपने पति को भी साथ जोड़ा हुआ था। परसों जो है इसका पति और ये इन्होंने पहले इनको कॉल किया, भाई आप हमारे को पैसे दो, फ्लैट लेना है हमने, 1.5 करोड़ रुपये दो, और यदि नहीं दोगे तो हम फैक्ट्री में आके तुझे पीटेंगे। जब इसने आनाकानी की, भाई मैं इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकता, तो वो फैक्ट्री में ही आ गए, और फैक्ट्री में आने के बाद जो है इन्होंने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने गिरफ्तार करके नियमानुसार इसमें कार्रवाई की है। दोनों जगह गिरफ्तार कर लिया है। कितने पैसे तक जो है वो ऐड चुके होंगे? लगभग ये 1.25 करोड़ रुपये ऐड चुके हैं, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख के हर महीने जो ये पैसे लेते थे, और अभी 1.5 करोड़ की इन्होंने और डिमांड रखी थी। तो ये कहाँ रहते थे फिलहाल दोनों पति पत्नी? ये दोनों पति पत्नी नोएडा रहते हैं फिलहाल। लड़की कहाँ की थी, कौन सी जगह की थी? लड़की फिलहाल तो नोएडा रहती है, लेकिन पहले ये इसका परिवार जो वो फरीदाबाद में रहता था, जवाहर कॉलोनी में, लेकिन अब इसका परिवार भी नोएडा शिफ्ट हो चुका है। और क्या कुछ कार्रवाई इसमें जो है नियमानुसार की जा रही है? इसमें जो है अभी गिरफ्तारी कर ली है, कोर्ट में हमने कल पेश किया है, और 31 तारीख तक इसमें हमने रिमांड लिया है। दोनों रिमांड जो हम जो इन्होंने पैसे ऐठे हैं उसकी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ अभी तक रिकवरी हो पाई है, जैसे गिरफ्तार करके?